वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारी प्रैक्टिस सेट है 2.3। और जो हमारा नया टॉपिक है आज आपके लिए टोटली न्यू है वो है सर्ट्स। तो मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ वो है सर्ट्स के बारे में। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, थोड़ा नया है तो थोड़ा आप पेशेंस ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। पहले बेसिक जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। If a is a positive rational number and nth root of a is x, and if x is an irrational, then x is called a sert। मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है यहां पर कि अगर मेरा कोई नंबर है वो इस तरह से लिखा है मैंने x n equal to a, तो इसी चीज को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं इस तरह से लिख सकता हूं यहां पर a n equal to एक्स। तो मतलब अगर मैं एक नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसी को मैं इस फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं एक्स का इसको क्या बोलूंगा, ये जो देकर के रखा है यहां पर इसको बोलूंगा कि ये उसी का सर्ड है। अभी इसकी एक और डेफिनेशन है और इसमें जो सिंबल्स की मीनिंग है वो समझ लेते हैं। इन अ सर्ड nth रूट ऑफ ए द सिंबल, ये वाला जो सिंबल है मतलब ये आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट, मतलब ये इस सिंबल को स्क्वायर रूट नहीं बोलेंगे, स्क्वायर रूट भी यूज करते कई जगह पे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है नो डाउट। तो ये जो सिंबल है पर्टिकुलर जो इस तरह से बना हुआ है आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेडिकल साइन होता है ये, ठीक है। और एन जो है मतलब यहां पे जो भी पावर देके रखी होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी पावर हो जाएगी, मतलब उसकी पावर मतलब इन द सेंस उसका ऑर्डर हो जाएगा। पावर क्यों बोल रहा हूं मैं उसको, मैं आपको समझाऊंगा अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो ए देके रखा है मतलब इसके अंदर में ये वाली चीज जो देके रखी हुई थी उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस चीज को, हम लोग रेडिकेंड बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरा एक सिंबल बना हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं, अगर ये है तो इसका हम लोग सिंपल बोलते हैं स्क्वायर रूट। मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट के लिए यूज करते हैं, ये अंडरस्टूड है। मतलब इसकी अंडरस्टूड है कि इसकी जो ऑर्डर है वो क्या होता है, टू होता है। और इसी को हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन भी किया, मैंने एक नोट देके रखा है आपको, द सर्ड ऑफ ऑर्डर टू इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक सर्ड। क्या बोलते हैं उस चीज को, हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक सर्ड बोलते हैं। अगर मान लीजिए मेरा ऐसे लिखा है एक सिंबल बनाया और यहां पे अगर थ्री लिखा है तो इसका क्या ऑर्डर, ऑर्डर हो जाएगा इसका थ्री, ऑर्डर इसका क्या है थ्री है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मतलब अगर यहां पे जो भी नंबर देके रखा होगा एंथ नंबर, अगर कुछ भी नहीं देके रखा है तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वो टू हो जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक सर्ड हो जाएगा। और यहां पर जो भी देके रखा हो उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाता है। और अंदर हम जो भी नंबर लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैंने 15 लिखा या फिर यहां पर मैंने 11 लिख दिया, तो ये चीज जो 11 है वो क्या हो गया हमारा, रेडिकेंट, वो यहां पे हमने डिफाइंड किया है। स्टेट द ऑर्डर ऑफ सर्ट्स गिवन बिलो, जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा था। अब यहां पे देखिए ये क्या, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहां पे ऑर्डर इज थ्री, तो इसका ऑर्डर हो गया अपना थ्री हो जाएगा, राइट। अब यहां पे नेक्स्ट जो देके रखा है 5√12 है, तो मैं आपको बताया था अगर यहां पे कुछ भी नंबर नहीं लिखा है तो उसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, टू हो जाता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, फोर लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा फोर। यहां पे कुछ भी गिवन नहीं है तो आपको बताइए क्या करना है, और यहां पे क्या होगा वो भी आपको पता ही है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि साथ में एक नोटबुक लीजिए और सॉल्व करते जाइए मेरे साथ साथ में, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट डूइंग। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी और उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स। पहले हमें यह बताना है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट्स, मतलब इनमें से कौन कौन से सर्ट्स हैं और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो पहला जो हमको देके रखा है वो क्यूब रूट ऑफ 51 देके रखा हुआ है। यहां पे क्या देके रखा है हमको, क्यूब रूट ऑफ 51। तो हमारे यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, रेडिकेंट, मतलब ये जो रेडिकेंट है वो क्या देके रखा हुआ है, 51 है हमारा यहां पे। तो यहां पे लिख देंगे रेडिकेंट इज 51, आप मेंशन करेंगे उसको रेडिकेंट इज 51 हो रहा है हमारा यहां पे। वो क्या है, विच इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, विच इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ओके। और यहां पे इसका ऑर्डर क्या हो रहा है, ऑर्डर इज थ्री। और एज एन होल ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, मेरा इरेशनल नंबर भी बन रहा है, इरेशनल बन रहा है। इसलिए देयर फोर ये जो मेरे को गिवन है यहां पर 51, क्यूब रूट ऑफ 51 इज एन सर्ट। अगर आप चाहें तो आप पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज एन इरेशनल नंबर, तो थोड़ा बेटर हो जाता है,
और अब हम अपना नेक्स्ट सब क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट सब क्वेश्चन में हमको देके रखा हुआ है फोर्थ रूट ऑफ 16। अब देखिए मैंने क्यों मेंशन किया था कि वो इरेशनल नंबर बन रहा है, वो यहां पे आपको सेकंड क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पे फोर्थ रूट 16 बोल रहा है, तो 16 आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं 16 का, ये रफक में कर रहा हूं मैं समझाने के लिए आपको, बेसिकली एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे 16 है तो 8 आ जाएगा, फिर से इसको 2 से डिवाइड करूंगा 8 को तो 4 आ जाएगा, 4 को फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर्थ रूट ऑफ 16 मेरा क्या बन रहा है, इसका मीनिंग हो रहा है यहां पर, यहां पे मैं फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट लिख दूंगा 2 × 2 × 2 × 2। मैं आपको सॉल्व करने का तरीका समझा रहा हूं अभी यहां पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो रहा है यहां पे, ये फोर्थ रूट रहेगा 2^4 हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ रूट को हम कैसे और लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2^4 और उसकी पावर हो जाएगी 1/4। तो ये पावर जो एक्सपोनेंट्स आपने लास्ट ईयर में पढ़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, तो 2^4 है इंटू 1/4 है, तो ये और 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या मिलेगा मेरे को, 2 मिलेगा। 2 इज नॉट एन इरेशनल या फिर 2 इज एन रैशनल नंबर, तो इसका मतलब क्या हो गया। अभी आपका देखिए यहां पे रेडिकेंट है ही नहीं, क्योंकि यहां पे आपका क्या है, आपकी ऑर्डर भी नहीं है कुछ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मुझे गिवन था इज नॉट अ सर्ट, तो स्टेटमेंट में यहां पे देयरफॉर करके लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थर्ड सब पार्ट देके रखा हुआ है, उसमें बोल रहा है फिफ्थ रूट ऑफ 81। तो देखिए यहां पे फिफ्थ रूट ऑफ 81 बोल रहा है, अगर मान लीजिए आप 81 को एक बार सॉल्व करके क्रॉस चेक भी करते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 81 लीजिए यहां पे, इसको अगर मैं करता हूं यहां पर 3 से, तो 81 को यहां पे डिवाइड कर रहा हूं अगर 3 से, तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यहां पे 2 आ जाएगा, 3 × 7 = 21, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर से 3 से करूंगा तो यहां पे 27 को होता है 3 9 होता है 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और ये 3 रहेगा, 1 आ जाएगा, मतलब 81 का क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3 × 3 हो रहा है। यहां पे 81 का हो रहा है, यहां पे पावर लेकिन 5 है, तो मेरा क्या हो रहा है, ये एक तरह से क्या होगा, रेडिकेंट क्या है, इरेशनल हो रहा है ओवरऑल। ये मैं आपको ओरली पूरा चेक करने का तरीका बता रहा हूं। सपोज यहां पे 81 की जगह पे ऐसा नंबर, यहां पे फिफ्थ रूट की जगह पे फोर्थ रूट होता और यहां भी ये 4 टाइम रिपीट हो रहा होता जैसे लास्ट टाइम हुआ था, फिर ये सर्ड नहीं होता, लेकिन अभी यहां पे ये क्या हो जाएगा, सर्ड हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखिए यहां पे लिख सकते हैं ऑर्डर, ऑर्डर लिख दीजिए, ऑर्डर इज 5, यहां पे गिवन है हमको रेडिकेंट, रेडिकेंट जो मेरा है, रेडिकेंट इज 81, रेडिकेंट इज 81 विच इज, आप लिख दीजिए यहां पर, विच इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, विच इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, देयरफॉर आप ऐसे यहां पे डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं मेरा जो है, लेकिन वो चेक करना है, सपोज करो यहां पे फोर्थ होता तो ये आंसर हमारा चेंज जाता, फिर ये सर्ड नहीं होता, अभी ये सर्ड है। तो यहां पे 81 लिख दिया, फिफ्थ रूट आ गया यहां पे, ये वाला मेरा थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, और यहां पे क्या हो जाएगा, इज एन सर्ड, ओके। तो यहां पे 3 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके समझा दिए हैं, बाकी ये 3 आपके लिए छोटा सा असाइनमेंट, आप इसको ट्राई कीजिए, कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए या मेरे को पूछिए, मैं आपको फिर से एक और छोटे से वीडियो में बता दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। तो ये 3 सब क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको उन्हें सॉल्व करके देखना है, मतलब वही फैक्टराइज करना है, फिर सोचना है आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर आपके टेक्स्ट बुक में आंसर पीछे देके रखे हुए हैं, उनसे आपको क्रॉस चेक करके बताना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है ये तो बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, 22/7, आपको पता है कि 22/7 ऑलरेडी ही क्या है, मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं यहां पर, 22/7 जो है मेरा वो ऑलरेडी क्या है, एक इरेशनल नंबर है और उसका भी स्क्वायर रूट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी इरेशनल होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सर्ड हो जाएगा, आपको बस ये वर्ड फॉर्मेट के अंदर में इसको लिखना है, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि गिवन पेयर जो है वो लाइक सर्ड है कि अनलाइक सर्ड है, ये बताना है आपको, एक कैसे पता लगेगा कि लाइक है कि अनलाइक है, उसके लिए क्या करना होता है यहां पर हमको, कि हम लोगों को बस ये चेक करना होगा कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए और दोनों का जो रेडिकेंट है, रेडिकेंट मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, तो रेडिकेंट है वो भी सेम होना चाहिए, अगर वो दोनों चीजें अगर आपकी सेम है तो आपका क्या हो जाएगा, वो लाइक सर्ड में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर अंडरस्टूड है 52 जो मतलब मेरा स्क्वायर रूट में देके रखा हुआ है दोनों का, तो दोनों का ऑर्डर तो सेम हो गया यहां पर, कैसे सेम हो गया, कि देखिए आपका ये जो है इसका भी स्क्वायर रूट ही हो रहा है, मतलब ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, तो एक गारंटी तो यहीं पर मिल गई कि ये हो सकते हैं। सपोज कीजिए यहां पे 2 रूट होता और यहां पे 3 रूट होता, यहां पे 3rd लिखा होता, क्यूब रूट होता अगर, तो देखते ही समझ जाइए कि वो लाइक सर्ड नहीं होता, बट यहां पे उन्होंने थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन देके रखा है,
यहां पे स्क्वायर रूट है और यहां पे भी स्क्वायर रूट है, क्योंकि ये वाला बड़ा वाला है तो इसको हम स्प्लिट अप करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी थोड़े पहले करके बताया था, 52 मैं यहां पे लिखूंगा सबसे पहले, 52 इक्वल टू, 52 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, 52 को डिवाइड करके देखिएगा आप, तो यहां पे आपको मिलेगा 2 × 2 × 13। ठीक है, अब देखिए 2 का पेयर बन रहा है और यहां पे स्क्वायर रूट है, मतलब स्क्वायर रूट मतलब 2 इसका ऑर्डर है, तो 2 का अगर पेयर बन गया तो हम इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं सेट से, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2√13। अगर मान लिया यहां पे क्यूब रूट होता है, यहां पे 2 लिखा वहां पे 3 होता, तो यहां पे 2 × 2 × 2, मतलब 3 बार अगर 2 रिपीट हो रहा था तो मैं 2 को बाहर निकाल पाता। ये लॉजिक आपको इस क्वेश्चन में इतना यूजफुल नहीं लगेगा, बट अभी आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ये वाला लॉजिक आपको बहुत यूजफुल होगा। तो यहां पे देखिए ये भी 2√13 आ गया, ये 5√13 है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, रेडिकेंट्स एंड ऑर्डर आर सेम। हियर आप लिख सकते हैं, हियर रेडिकेंट एंड ऑर्डर आर सेम, देयरफॉर गिवन आर लाइक सर, दिस इज अ पेयर ऑफ लिख दिया, पेयर इज लाइक सर। तो ये आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट को जो क्वेश्चन हम वो देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि √68 एंड 5√3। ओके, तो 68 आपको पता है ये रूट थ्री है, यहां पर ये 68 तो ये बड़ा वाला है और दोनों का ऑर्डर तो ऑलरेडी सेम है। दोनों का ही ऑर्डर क्या है, अपना जो ऑर्डर है आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ऑर्डर है दोनों का 2:2 है यहां पर ऑर्डर। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले चेक करना पड़ेगा 68 होता है कि नहीं होता है, हम चेक करेंगे यहां पे। तो 68 को आप फैक्टराइज करके देख सकते हैं, 68 इक्वल टू, अगर आप करेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे तो फिर से आपको यहां पे मिलेगा 2 × 2 × 17। फैक्टराइज करने का मतलब है वही जो मैं आपको रफ में भी लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, यहां पे 68 लिखना है, फिर इसको 2 से करोगे, फिर से आप 2 से करोगे, इस तरह से आपको करना होता है। तो ये बहुत ही मतलब नॉर्मल है, क्योंकि अभी आप 9th क्लास में हो तो आप कर लोगे। तो यहां पे ये 2 आप देख सकते हैं, ये दोनों 2 का एक पेयर बन गया है, तो इस 2 को मैं बाहर लिख सकता हूं, तो 2√17। बट यहां पे देखिए ऑर्डर तो सेम हो रहा है बट रेडिकेंट सेम नहीं है। रेडिकेंट कैसे सेम नहीं है, यहां पे रेडिकेंट में 17 आ रहा है और यहां का रेडिकेंट जो दूसरा नंबर देके रखा था उसका रेडिकेंट 3 है। तो सिंस रेडिकेंट आर नॉट सेम, पेयर इज अनलाइक सर्ड, रेडिकेंट आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, अनलाइक पेयर इज अनलाइक सर्ड हो जाएगा। क्लियर है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपना, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं अभी हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखे रखा हुआ है थर्ड वाला, तो मैं आपके लिए अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद बाकी के 3 आप ट्राई कीजिएगा एक बार। देखिए अभी यहां पर जो है, चलिए वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड ही कर लेते हैं, बाकी के 3 आपके हो जाएंगे। तो यहां पे ये 7√2 तो ऑलरेडी छोटा ही देके रखा, तो ये वाला थोड़ा बड़ा है, तो इसको एक बार कन्वर्ट करके देखेंगे, ब्रेक कर रहे हैं, स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। तो 4√18, तो आपको पता है 4√18 है, तो 4 को मैं 4 ही रखूंगा यहां पे, और 18 को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, 3 × 3 × 2, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, मतलब 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। तो यहां पर पेयर बन गया 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा, बट ऑलरेडी बाहर में क्या है 4 भी है, तो 4 × 3 हो जाएगा और अंडर में क्या बचेगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 4√3 = 12√2। तो यहां पे आपको वही लॉजिक लिखना है, सिंस ऑर्डर एंड रेडिकेंट आर सेम, तो देयरफॉर अपना वही फिर से वही अपना पुराना वाला सेंटेंस, पेयर इज लाइक लाइक सर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो 3 देके रखे हैं वो भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है, आपका लॉजिक अभी क्लियर हो चुका है, तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपलीफाई द फॉलोइंग सर्ट्स, मतलब यहां पे कुछ भी नहीं करना, अभी आपको मैं बहुत पहले से बोला था कि आगे क्वेश्चन में लॉजिक यूज होगा, तो अब देखेंगे किस तरह से यूज हो रहा है जो लॉजिक मैंने अभी आपको बताया। यहां पर 27 देके रखा है, 27 को फैक्टराइज कीजिए सिंपल वे में, 27 है यहां पर, तो इसको 3 से करूंगा मैं यहां पर, तो मेरा 3 × 9 = 27 होता है, फिर से 3 × 3 = 9 होता है, 3 × 3 और ये 1 आ जाएगा, तो 27 को, ये रफ वर्क है, हाँ ये जो मैंने इतना किया है ना यहाँ पे, ये पूरा रफ वर्क है, आपको खाली समझाने के लिए कर रहा हूं। तो 27 का यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, 27 हो जाएगा मेरा यहाँ पर 3 × 3 × 3। देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट है, तो एक ही पेयर मेरा बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा, नीचे में 3 बचेगा, तो ये 3√3 क्या हो गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया
√27 का। सिमिलर वे में हम लोग क्या करेंगे, √50 भी देखेंगे। 50 आपको पता है क्या होता है, 25 इंटू 2 क्या होता है, 50 होता है। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ अभी आपको, क्योंकि आपको पता लग चुका है, अभी थोड़ा रिकॉल हो गया होगा कैसे सॉल्व करना है। 25 जो स्क्वायर रूट है 5 का होता है, तो 5√2 आ जाएगा, राइट। तो इसी वे में आपको सॉल्व करते जाना है अभी, और बाकी तीन क्वेश्चन में वही देके रखा हुआ है, 250 देके रखा है, एक और कर देता हूँ, बाकी दो आप ट्राई कीजिएगा। 250 को फिर से आप लिख सकते हैं 25, क्योंकि मुझे पता है 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। 25 × 10, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा ये 5√10। ओके, बाकी दो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, जो मेरा 6th क्वेश्चन देकर के रखा हुआ है यहाँ पर, उसको हम समझेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। और एक मिनट, मुझे पेज थोड़ा सा मूव करना है। यहाँ पे हमें बोल रहा है कंपेयर द फॉलोइंग सर्ट्स, मतलब हमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या फिर वो दोनों के दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। हमें वो चीज चेक करके यहाँ पर बतानी है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और बेसिक मेथड बता रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरह से करना है उस चीज को। या फिर मैंने आपको यहाँ पे देख के रखा, बहुत सारे मेथड बताते हैं टीचर, मेरे को एक मेथड आपको बताता हूँ जिससे आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे क्या है, 7√2 लिख दीजिए, और ऐसे यहाँ पे लिख दीजिए 5√3, और आपको क्या करना है कि एक बॉक्स बना देना है, ठीक है। ये बॉक्स बना दिया, अब यहाँ पे क्या कीजिए, बोथ साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे भी अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो 7 ये आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा आपका 7√2 का स्क्वायर हो जाएगा, बॉक्स वैसा का वैसा ही रहेगा मेरे पास में जो था, यहाँ पे बॉक्स बना √3 का स्क्वायर। को पता है 7√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, 7√2 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 × 7 = 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर इज 25, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल होता है। तो 49 × 2 क्या हो रहा है, 49 × 2 अगर आप करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 98, ठीक है। और यहां पे जो है 25 × 3 करेंगे तो मिलेगा 75। तो आप बताइए कौन सा बड़ा नंबर है, 98 बड़ा है। इसका मीनिंग क्या हो गया, 7√2 जो है वो क्या हो जाएगा मेरा, वो मेरा बड़ा हो जाएगा, और जो 5√3 है वो छोटा हो जाएगा। मतलब जो बड़ा होता है उसी की तरह हमारा मुंह जो है, मतलब ये जो एरो है वो ओपन रहता है, बस ऐसे याद रखिए अगर आप भूल गए हैं तो, वैसे मुझे भरोसा है कि आपको याद होगा। पर जो बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ ये ओपन रहता है, और जो छोटा होता है उसकी तरफ ये इस तरह का, मतलब एक क्या बोलूँ आपको, जो समझना है इस तरह से रहता है, मतलब एक एज बनी रहती है, एज बोल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 247 और 274, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमको क्या देके रखा है, दोनों के दोनों सेम ऑर्डर में गिवन है, और बाहर में भी कोई है नहीं, मतलब सर्ट के बाहर कोई नंबर गिवन नहीं है। तो अब देख के बता सकते हैं कि क्या करना, क्या होगा इसके अंदर में, राइट। 247 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 274 आ रहा है, और दोनों के दोनों स्क्वायर रूट के अंदर में ही है। तो आपको डिसाइड करना है यहाँ पे, तो डिसाइड करना बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। क्यों ईजी हो गया, क्योंकि 274 हमको पता है बड़ा नंबर है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ माउथ उसका ओपन रहेगा, तो ये हमारा हो गया, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेता हूं मैं एक यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके, तो अभी हम लोग यहां पे ये वाला क्वेश्चन जो गिवन है उसको कंपेयर करेंगे। मैं इसका वो हल्का सा एक नया मेथड और बता देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर में, कि बजाय स्क्वायरिंग करने के, जो आपके शायद स्कूल में ही बताया जाए या कहीं और भी आप पढ़ेंगे, तो ये एक हल्का सा डेविएशन है, मतलब नया मेथड कुछ नहीं है। इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2√7 गिवन है मेरे को, 2√7 में लिख दूंगा, जो मेरा बॉक्स बनता है वो मैं बॉक्स बनाऊंगा, और उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, √28 आ जाएगा। तो हम पहले स्क्वायर करते, इस 2 को मैं स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मेरा हो जाएगा 7, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 × 7 हो जाएगा, और फिर जो मेरा बॉक्स बनता है वो बॉक्स बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, तो 7 × 4 = 28। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे निकल करके, कि दोनों के दोनों जो सर्ट्स मुझे गिवन हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल ही हैं आपस में, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू का सिंबल आएगा। अब लास्ट के जो तीन है, एज यूजुअल मैं आपके लिए
रख रहा हूं कि आप एज एन असाइनमेंट उनको सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे, और अब इसके साथ में मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दो तीन चार मतलब आपके लिए हो गए जो आपको ट्राई करने हैं। अब यहां पर बोल रहा है सिक्स क्वेश्चन के अंदर में कि हमको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। ओके, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी क्वेश्चन लिखने में। फर्स्ट पार्ट जो है वो जो आएगा यहां पर, वो यहां पे इन दोनों के बीच में प्लस है, ठीक है। फाइव रूट थ्री और एट रूट थ्री देकर रखा है, तो आपको यहां पे देख के समझ में आ रहा है कि दोनों का जो है ऑर्डर भी सेम है और रेडिकेंट भी सेम है। तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन कैसे निकालेंगे, मतलब रूट थ्री मेरा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, फाइव प्लस एट, और रूट थ्री मैंने कॉमन निकाल लिया। तो फाइव प्लस एट क्या हो जाएगा मेरे पास में, एट, नाइन, टेन, और यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, थर्टीन। ओके, एडिशन तो पता ही है आपको, थर्टीन रूट थ्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर हल्का सा चेंज किया इन लोगों ने। नाइन रूट फाइव का नाइन रूट फाइव ही रहेगा, माइनस फोर रूट फाइव का फोर रूट फाइव ही रहेगा, प्लस 125 देके रखा। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5। ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 9 रूट फाइव जो था वो वैसे ही रहेगा, माइनस 4 रूट फाइव आ जाएगा। और देखिए 5 का पेयर बन रहा है, मैं बार बार बता रहा हूं सो दैट आपको अच्छे से याद हो जाए, 5 का पेयर बन रहा है। तो मैं 5 बाहर निकाल लिया और यहां पे क्या बचेगा, रूट फाइव। और तीनों नंबर के अंदर में सेम चल रहा है, रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव, तीनों जगह रूट फाइव आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट फाइव को कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सेम जैसे हमने अभी यहां पे देखा था कॉमन निकाला था जैसे यहां पे, वैसे यहां पे भी कॉमन निकालेंगे, 9 माइनस 4 प्लस 5 और यहां पे होगा रूट फाइव। अगर आप इन तीनों को एड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 10 रूट फाइव। बहुत ही सिंपल और बेसिक था। ओके, अब हम मूव करेंगे, ये थर्ड पार्ट में आपके लिए असाइनमेंट के लिए मैं छोड़ रहा हूं यहां पर, और अब हम लोग देखेंगे अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा हटके है तो आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, ऐसे कुछ खास है नहीं। बस यहाँ पे क्या किया है इन लोगों ने, आपको यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन है, मतलब फ्रैक्शन के टर्म में देके रखा हुआ है। तो आप देखिए रूट सेवन यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी रूट सेवन आ रहा है, यहाँ पे भी रूट सेवन आ रहा है। तो हम लोग फिर से वही चीज स्टेप फॉलो करेंगे, रूट सेवन को कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए सेवन क्या कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे वन हो गया, माइनस थ्री बाय फाइव हो गया, प्लस टू हो गया, और रूट सेवन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी फ्रैक्शन नहीं, यहाँ पे भी फ्रैक्शन नहीं है। तो इस नंबर को वन को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फाइव से मतलब क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां पे क्या मिल जाएगा, वन इंटू फाइव कर दूंगा, यहां पे क्या करूंगा, टू इंटू फाइव कर दूंगा। तो फाइव माइनस थ्री, और फाइव इंटू टू क्या होता है, टेन होता है। और अब होल में मेरा क्या आ जाएगा, फाइव कॉमन आ जाएगा। आपको फ्रैक्शन में कुछ डाउट है या प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे पूछिएगा, आपको अच्छे से मैं वो चीज फिर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अलग से वीडियो बना दूंगा, जिनको डाउट है प्लीज आप मुझे बताइए। 5 माइनस थ्री क्या हो जाएगा, अभी यहां पे 12 आ जाएगा। तो 12 मतलब 5 माइनस थ्री इज 2 एंड 2 प्लस 10 इज 12, तो 5 हो जाएगा और रूट 7 आ जाएगा। ओके, अब देखिए आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर को यहां पर लिखना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, एक और पॉइंट जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है वो बोल के रखा है यहां पर कि सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ही आपको यहां पे क्या करना है, बताना है। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो इसमें क्या होगा, थ्री रूट ट्वेल्व है, तो आप ट्वेल्व को क्या लिख सकते हो, ये रफ वर्क है आपका, ट्वेल्व टू, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिक्स। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, फिर से टू, टू से डिवाइड होगा, फिर छोटे से छोटा नंबर लीजिए। जब भी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इस केस में, फिर छोटे से छोटा नंबर लेंगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा, या फिर गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, राइट। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, थ्री तो ऑलरेडी है, ट्वेल्व को क्या लिख सकता हूं मैं, ट्वेल्व को लिख सकता हूं टू इंटू टू इंटू थ्री। सेम वे अगर एटीन को मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, एटीन को लिख सकता हूं, नाइन टू का एटीन होता है, तो थ्री इंटू थ्री इंटू टू। ओके, अब यहां पर पेयर बन रहा है और यहां पर भी एक पेयर बन रहा है, तो उसी को मैं यहां पर लिखूंगा यहां पर, तो ये टू कॉमन आ जाएगा बाहर, तो टू इंटू थ्री होगा तो क्या हो जाएगा, सिक्स, और रूट के अंदर क्या बचेगा, अभी थ्री बचा हुआ है मेरा, ये तो सिक्स रूट थ्री हो जाएगा इनटू, यहां पे थ्री कॉमन आ जाएगा और ये क्या बचेगा, टू बचेगा। अब देखिए ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अब देखिए सेम दोनों का ऑर्डर क्योंकि सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, थ्री को भी, रूट थ्री को, रूट टू को भी, और इनके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो सिक्स इंटू थ्री क्या हो जाएगा, एटीन हो जाएगा, और रूट थ्री इंटू रूट टू करूंगा तो रूट थ्री इंटू रूट टू क्या हो जाएगा, रूट सिक्स हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट, तो यहां पर क्या हो रहा है अपना, थ्री इंटू रूट ट्वेल्व है यहां पे, तो रूट ट्वेल्व को क्या लिख सकता हूं मैं, फोर इंटू थ्री
इंटू सेवन आ जाएगा यहाँ पे, और रूट 15 के लिए क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट होता है, तो ये मेरा बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 7। स्क्वायर रूट के अंदर मेरा क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है मेरे पास में 2 आ जाएगा यहां पर, और ये वाला हो जाएगा यहां पे, एक और 3 कॉमन निकलेगा, यहां पे एक और 3 कॉमन निकलेगा, और यहां पे क्या बचेगा अपना भी, देखिए ये 3 कैसे कॉमन निकला, क्योंकि ये भी एक 3 था और ये भी एक 3 था, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इंटू रूट 5 बचेगा, राइट। अब ये रूट 5 बच गया तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आई नो, क्योंकि ये देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं, यहां पे मेरा एक 3 था वो मैंने ये वाला 3 यहां पे लिख दिया, जो ये वाला 7 था वो मैंने यहां पे लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो था वो मैंने यहां पे 2 करके लिख दिया, और देखिए पेयर बन रहा है, यहां भी एक 3 है और यहां पे भी एक 3 है, तो यहां पर एक 3 आ गया, तो यहां पे क्या बचा, केवल स्क्वायर रूट के अंदर 5 बचा। ये मैंने थोड़ा फास्ट बताया आपको और जल्दी सॉल्व करने का तरीका बताया, तो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 126 और रूट 5। ओके तो आपको ये समझ में आ गया होगा अभी। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो देकर रखा हुआ है, और इसी तरह से आपको ये सारे जो क्वेश्चन देके रखे हैं बाकी के 2 पार्ट आपको ट्राई करने हैं और सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को गिवन है वो डिवाइड एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो मुझे कुछ नहीं करना है, दोनों के दोनों आपको पहले चेक करना है, ऑर्डर ऑलरेडी सेम गिवन है तो इतना कुछ टफ नहीं है। यहाँ पर आपको जो गिवन है वो है 98/2, तो 98 स्क्वायर रूट के अंदर में आ जाएगा, डिवाइड कर रहा है 2 को, तो 2 1 इज 2, 2 4 इज 8 एंड 2 9 इज 18, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 हो जाएगा। आपको पता है 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 हो गया, सिंपल था एकदम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर, वो गिवन है 125/50, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से 125 लिखूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पे 50 दे करके रखा हुआ है, कैंसिल करूंगा 50 को 5 से, तो 10 आ जाएगा, इसको करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 2 इज 10 एंड 25, 5 5 इज 25 एंड 5 2 इज 10, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, स्क्वायर रूट के अंदर में 5/2 मिल जाएगा। ओके तो ये सारे क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल वाला, सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमको यहाँ जितने भी क्वेश्चन देके रखे हुए हैं उनके अंदर में क्या है, सबके अंदर स्क्वायर रूट ही लगा हुआ है। अब अपना लास्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर हमको क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो रैशनलाइज करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जो डिनोमिनेटर में देके रखा होता है उसको एज इट इज क्या करते हैं, न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब रूट 5 गिवन था तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया √5/√5, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 3√5 आ गया, और आपको पता है √5 × √5 करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो 5 बचेगा, क्योंकि रूट के अंदर में दोनों सेम ही नंबर है यहाँ पे, तो यही सेम चीज आपको करनी है यहाँ पे सेकंड में भी, यहाँ पे √14 देके रखा हुआ है, यहाँ पे √7 देके रखा है, हल्का सा चेंज आ रहा है आपके ये फोर्थ पार्ट के अंदर में, तो ये मैं आपको करके बताता हूँ अभी कि ये कैसे करेंगे। अलग क्वेश्चन है ये 6/9√3 देके रखा, बड़ा आपको पता है 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो ये 3 2 6 हो जाएगा और ये 3 3 9 हो जाएगा, तो ये मेरे लिए क्या बन गया 2/√3 बन गया। मैं इसको उसी नंबर से डिनोमिनेटर, न्यू डिनोमिनेटर मेरे को ये मिल रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था इसके लिए मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको पता है अभी ये देखिए ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 3 = √3 हो जाएगा ये यहाँ पर, और 3 × 3 = 9 और फिर से 9 × 3 होगा, लेकिन 3 × 3 = 9 आ गया मेरे पास में, √3 क्या हो जाएगा फिर से 3 हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे ये 3 जो है वो कैंसिल होगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में इक्वल टू में 2√3/9। ओके ये आपको समझ में आया होगा, और लास्ट क्वेश्चन जो देके रखा है इसमें भी √3/√3 करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।